तो चलिए ये समाधान पंडित जी ने बताया और जरूर आपका जो भी समस्या है वो जरूर समाधान से दूर हो यही आशा है। चलिए पंडित जी अब राशियों की तरफ बढ़ते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जितने भी भक्त हैं राशि के अनुसार कैसा दिन उनका रहने वाला है ये जरूर बताएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लोगों का आज का दिन शानदार रहने वाला है। माँ भगवती की बड़ी कृपा रहेगी कि आज आपको जिम्मेदारी आपकी पूरी होंगी। कोई नए काम की शुरुआत या नई योजनाओं को लागू कर सकते हैं। आज वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी बरते हैं। लंबित मामले आगे बढ़ेंगे और धन लाभ के आसार बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कि आज किसी वित्तीय योजनाओं में आप निवेश कर सकते हैं। आप बचत कर पाएंगे। किसी से मतभेद भी आज हो सकते हैं और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मित्रों से मुलाकात के दौरान सोच समझ करके ही आज बोलना होगा। परिवार के किसी सदस्य को कामयाबी आज मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें होंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आज पारिवारिक कार्यों के लिए यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। सामाजिक कार्यों में खर्च करेंगे। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। सेहत की स्थिति कमजोर रह सकती है। आज व्यवसाय सामान्य रहेगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। आज आपके लिए कुछ बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज कुछ नई परियोजनाओं पर विचार कर सकते हैं लेकिन काम शुरू न करें। बचत में निवेश संबंधी काम होंगे। सिंह राशि वाले लोगों के रिश्तेदारों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज दफ्तर में बड़े अफसर से मुलाकात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सकारात्मक सोच आपको नई दिशा देगी। ज्यादातर कार्य के पूरा हो जाने से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में दिन काफी अनुकूल रहेगा। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। जमीन जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे। आपको जरूरी कार्य के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। अपनों का साथ मिलेगा। मित्रों से मुलाकात होगी। कार्यस्थल पर खुशखबरी मिलेगी। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी काम को ना टालो। मित्रों से मतभेद दूर हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों की मदद मिलेगी और व्यवसाय में उन्नति होगी। किसी जरूरी फैसले लेने को लेकर जल्दीबाजी ना करें। जी आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। आय में बढ़ोतरी होगी। मित्रों का सहयोग रहेगा। युवा वर्ग खुश रहेगा। जोखिम ना लें। पारिवारिक किसी सदस्य मतभेद भी आज होने की आशंका है। बेवजह के खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। किसी से अप्रिय शब्द ना कहें। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के। निजी जीवन से जुड़ी बात किसी से ना कहें। शत्रु पक्ष सक्रिय रहेगा। आपको धन लाभ होगा। आज व्यस्तता रहेगी। ज्यादा जोखिम से जुड़े कार्य ना करें। आज का दिन ठीक रहेगा। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से मिलने के बाद जीवन में नयापन महसूस करें। नया कारोबार शुरू करने की योजना बना सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करने के साथ वृद्धों की सेवा करें। आज का दिन सुखद रहेगा।
जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज तनाव दूर होगा, नए काम को लेकर धैर्य रखना होगा, अचल संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं, कर्ज देने से बचें, आज आपको धन लाभ होगा, भौतिक साधनों में वृद्धि होगी। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। चलिए राशिफल के बारे में बताया पंडित जी ने कि कैसे आज आपका दिन रहने वाला है। चलिए बहुत धन्यवाद पंडित जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ और दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। प्रभु श्री राम के से चरणों में विनीत होकर के मंगल कामना की आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामना के साथ आपका दिन मंगलमय हो। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो जय माता। तो चलिए हमारी खास पेशकश पर फिलहाल इतना ही। नमस्कार।